प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक और खलिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वह आए दिन किसी न किसी को धमकी दे रहा है। पहले उसने प्रधानमंत्री मोदी को धमकी दी और अब उसने पंजाब के सीएम भगवंत मान को जान से मारने की धमकी दी। उसने इसके लिए एक बाकायदा वीडियो भी जारी किया है जिसमें उसने गणतंत्र दिवस पर भगवंत मान को जान से मारने की धमकी दी है। इतना ही नहीं, उसने पंजाब के गैंगस्टर से प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस में शामिल होने को कहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत अन्य शीर्ष नेताओं को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने से रोकने के लिए कहा है। इसी के साथ पन्नू ने पंजाब के डीजीपी गौरव यादव को भी धमकी दी है। एक ईमेल और दो वीडियो में पन्नू ने भगवंत मान की तुलना पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह से की। बता दें, बेअंत सिंह की 31 अगस्त 1995 को एक बम विस्फोट में हत्या कर दी गई थी। प्रतिबंधित आतंकवादी समूह बब्बर खालसा इंटरनेशनल के किए गए इस बम धमाके में 17 अन्य लोगों की भी जान चली गई थी। पन्नू के वीडियो में उसने पीएम नरेंद्र मोदी को भी धमकी दी और निज्जर की मौत का बदला लेने को कहा है। पन्नू ने कहा, राम मंदिर बाबरी मस्जिद को गिराकर बनाया गया है। ये बाबरी मस्जिद का ध्वंस नहीं बल्कि 2 करोड़ मुस्लिम का धर्म परिवर्तन है। 22 जनवरी को मुस्लिम समुदाय का ब्लू स्टार ऑपरेशन है। मुसलमानों को भारत छोड़ उर्दुस्तान की मांग रखने को कहा है। आतंकी पन्नू ने अमृतसर से अयोध्या तक सभी एयरपोर्ट बंद करवाने की धमकी दी। इससे पहले भी पन्नू इस तरह की धमकियां दे चुका है। बीते साल पन्नू के अमेरिका में मारे जाने की खबर सामने आई थी, लेकिन बाद में वीडियो जारी कर पन्नू ने कहा वह बिल्कुल ठीक है। बहरहाल इस मामले को लेकर पंजाब पुलिस ने सावधानी बरतते हुए सभी VIPs की सुरक्षा बढ़ा दी है। यह खबर आपको कैसी लगी, इसके लिए कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।